Hello students, welcome to my channel. This is Pooja your math tutor, and in this video, we are going to do the sum that you have seen on the thumbnail. So, without wasting any time, let's start the question. We have a statement: A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is फुल ऑफ आइसक्रीम देखो हमारे पास क्या है एक कंटेनर है जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप का है अब राइट सर्कुलर सिलेंडर कौन सा होता है वो सिलेंडर जो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए ठीक है लाइक like जैसे कि नॉर्मली हम सिलेंडर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपने चैप्टर में इस तरह एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर एंड इसका डायामीटर कितना गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर अगर डायामीटर 12 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली रेडियस कितना होगा 6 सेंटीमीटर राइट तो ये एक कंटेनर है जो फिल्ड है फिल्ड किसके साथ है आइसक्रीम के साथ तो चलो आगे रीड करते हैं द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन टू हाइट ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड डायमी सेंटीमीटर हैविंग अ शेप ऑन द टॉप तो इस कंटेनर में से एक आइसक्रीम कोन भरा गया है और ये जो कोन है उसका टॉप कैसा है हामिस्फेरिकल शेप्ड मोस्टली इसी तरह से हमें फिल करके देते हैं आइसक्रीम कौन अब इस कौन की मेजरमेंट्स को भी देख लेते हैं हाइट कितनी है कौन की ट्वेल्व सेंटीमीटर देखो हाइट क्या होती है कौन की यहाँ से मेजर होती है यहाँ तक तो ये कितनी है ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड डायमीटर मीटर सिक्स सेंटीमीटर इसका टोटल डायमीटर कितना है सिक्स सेंटीमीटर अगर डाया सिक्स सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली रेडियस कितना होगा सिक्स बाई टू थ्री सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा इसके रेडियस को हम आर से डिनोट कर लेते हैं हाइट को स्मॉल एच के साथ डिनोट कर लेते हैं कंटेनर बड़ा है तो इसकी एच को कैपिटल एच लिख लेंगे और इसके रेडियस को कैपिटल आर लिख लेंगे ओके एक चीज़ और आपको यहाँ पे नोटिस करनी है अगर कोन का रेडियस थ्री सेंटीमीटर है तो ये जो टॉप पे हैमिस्फेर है इसका रेडियस भी कितना होगा थ्री सेंटीमीटर बिकॉज ये जो है वो इस कोन के ओपन एंड पे पूरी तरह से कोइंसाइड कर रहा है राइट right? जितना सर्कल इस कोन का है उतना ही सर्कल इस है राइट right? तो ओबियसली रेडियस भी दोनों का सेम होगा तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम ऐसे नंबर ऑफ कॉन्स हमें बताने हैं कि कितने कौनस इस कंटेनर में से आइस क्रीम के साथ भरे जा सकते हैं तो मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है अगर हम बोलें कि एन इज़ अ नंबर ऑफ़ कन्स तो हमें यहाँ पर एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ठीक है सबसे पहले यहाँ पर हमें जो भी कैलकुलेट करना है हम हाँ उसको एड करेंगे लेट नंबर ऑफ कोन्स इक्वल्स टू एन तो देखो इस कंटेनर में जितनी भी आइसक्रीम है उसका वॉल्यूम इक्वल्स टू होगा जितने भी कोन आइसक्रीम के साथ फिल किए जा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने लिखा है एन इज आ नंबर ऑफ कोन्स तो एन को अगर मैं एकोन के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इट मीन्स हमें टोटल मालूम चल रहा है कि कितना वॉल्यूम फिल्ड हो सकता है राइट तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या तो फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो आइस क्रीम कंटेनर इक्वल्स टू एन इन टू वॉल्यूम ऑफ आइस क्रीम कौन अगर है हमारे पास नंबर ऑफ कौनस है तो टोटल तो नंबर ऑफ़ कौनस को मल्टीप्लाई कर दूँ एक कौन के वॉल्यूम के साथ तो वो टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द कॉन्स आ जाएगा और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मतलब दोनों साइड पे आइसक्रीम का वॉल्यूम सेम है तो दैट्स तो वाई ये दोनों इक्वल होंगे तो अब हम यहाँ पर करेंगे फॉर्मूलाज अप्लाई तो ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ये कंटेनर किस शेप का है राइट सर्कुलर सिलेंडर तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू यहाँ पर एन नंबर ऑफ कौन से वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन कोन का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच तो ये तो कोन का वॉल्यूम है ये जो हमारा आइसक्रीम कोन है ये कैसे बना हुआ है एक कोन और हेमिस्फेरिकल टॉप के साथ तो यहाँ पर और क्या ऐड होगा वॉल्यूम ऑफ पाई क्यूब वेयर इज द रेडियस ऑफ और यहाँ पर इज द रेडियस ऑफ कोन एंड दोनों के रेडियस इक्वल है और एच इज द हाइट ऑफ कोन दैट इज टू सेंटीमीटर तो अब हम इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं एंड आफ्टर सिंप्लीफाइड हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे इसे एज इट इज लिख लेंगे पाई आर इक्वल्स टू और यहाँ से वन बाई थ्री पाई आर स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे हम एंड एज इट इज़ इन टू वन बाई थ्री पाई आर स्क्र टेक कॉमन आउट वन बाई थ्री पाई आर स्क्वेयर बाहर है तो अंदर बचा अकेला हाइट यहाँ से वन बाई थ्री गया है तो टू अंदर बचेगा पाई आर स्क्वेयर बाहर गया है आर क्यूब है तो एक आर अंदर बच जाएगा तो अब जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं जैसे पाई के साथ पाई कैंसिल हो रहा है और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे ये आर स्क्र आर इज़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर सिलेंडर का रेडियस कितना है सिक्स आर स्क्वेयर है तो दो बार आएगा एच इज़ अ हाइट ऑफ कंटेनर तो हाइट कितनी है फिफ्टीन इक्वल्स टू एंड एज इट इज़ इन टू वन बाई थ्री एज इट इज़ ये स्मॉल आर क्या है रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हैमिस्फेयर दोनों सेम है तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है थ्री सेंटीमीटर स्क्वेयर है तो दो बार आएगा इनटू ब्रैकेट की ब्रैकेट में एच के आई हाइट ऑफ कॉन विच इज़ ट्वेल्व सेंटीमीटर प्लस टू मल्टीप्लाई रेडियस थ्री है यहाँ पर ठीक है अब जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं थ्री से थ्री कैंसिल हो रहा है और ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे यहाँ पर सिक्स इंटू सिक्स इंटू फिफ्टीन टू एन इंटू थ्री इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या है ट्वेल्व प्लस थ्री टू ज सिक्स अब देखो हमें कैलकुलेट करना है एन की वैल्यू नंबर ऑफ़ कॉन्स तो ये सारा इक्वल्स टू की दूसरी साइड आकर डिवाइड का हो जाएगा लेट्स सी हाउ सिक्स इंटू सिक्स इंटू फिफ्टीन एज इट इज डिवाइड में ये इक्वल्स टू एन एज इट इज और ये जितना भी है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाकर डिवाइड का हो जाएगा थ्री भी डिवाइड पे चला जाएगा इन टू ये ट्वेल्व प्लस सिक्स भी डिवाइड में जाएगा इसे हम यहाँ पर अप कर देते हैं ट्वेल्व प्लस सिक्स कितना होता है एटीन तो एटीन भी यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा अब जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं सिक्स वन सा सिक्स सिक्स थ्री एटीन Three ones are three, three fives are fifteen. Three ones are three, three twos are six. तो हमारे पास क्या बचा? फाइव इंटू टू तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है फ़ाइव इंटू टू फाइव टू ज़ा टेन तो ये हमारे पास एन की वैल्यू आ रही है हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं एन क्याट किया था हमने नंबर ऑफ कौनस तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ कौनस कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम एकवल्स टू टेन तो दस जो कौनस हैं वो उस कंटेनर में से भरे जा सकते हैं